कि ये आईपीपीज जो भी हैं उनसे रीनिगोशिएट टर्म्स एंड कंडीशन विद आईपीपीज, नो मोर एक्सटेंशन टू द आईपीपीज व्हेन टर्म एक्सपायर, दोज आईपीपीज डू नॉट वांट टू रीनिगोशिएट टर्म्स एंड कंडीशन, द गवर्नमेंट शुड बाय बैक द आईपीपीज एट द डिस्काउंटेड प्राइस। क्या कहेंगे सर इस पे? सर हम हर ऑप्शन को देख रहे हैं, जो आपने फरमाए हैं ना, उन हर ऑप्शन के ऊपर हम लोग फुल फोकस करके मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस परमिटेशंस की बेसिस के ऊपर अपनी कैलकुलेशंस कर रहे हैं, और जो हमारे सारफीन और स्टेट के इंटरेस्ट में होगा उसके ऊपर अमल करेंगे इंशाल्लाह। ये जो आपने तीन राय दी हैं, एक तो एक्सटेंशन का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, ना किसी को कभी दी ना कभी देने का इरादा है, नंबर वन। नंबर टू है ये है कि कई आपके प्लांट से, देखिए डॉक्टर साहब पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है, आप तकरीबन जो 40-42 हज़ार मेगावाट की आपकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, एक तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि कैपेसिटी की पेमेंट्स इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के मुताबिक नहीं होती, और जो आज हाजिर वो टेस्टेड और डी रेटेड कैपेसिटी होती है, जो प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखते हैं प्लांट्स उसके मुताबिक होती है, और वो तकरीबन 32-33 हज़ार मेगावाट है, 42 हज़ार नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये 32 हज़ार मेगावाट की ज़रूरत क्यों है हमें, ये इसलिए है क्योंकि आज भी आपकी गर्मियों के अंदर मैक्सिमम डिमांड 29-30 हज़ार मेगावाट को जाके टकरती है, लेकिन वो डिमांड वहाँ रहती नहीं है, वो डिमांड चंद महीनों एक दो महीने के लिए होगी, फिर डिमांड गिरती 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 8 हज़ार मेगावाट पे आ जाती है। लेकिन आपको वो प्लांट तो चाहिए ना ताकि आपकी पीक डिमांड को पूरा करें, वो प्लांट जब बग़ैर इस्तेमाल के रहते हैं तो उन प्लांट्स का जो फिक्स्ड किराया होता है और हमें जो कीमत अदा करनी पड़ती है, उनको पाकिस्तान की हदूद में किसी जगह पे लगा के रखने के लिए ताकि गर्मी में लोड शेडिंग ना हो, उसका हुजम का बोझ कम यूनिट्स के ऊपर आना शुरू हो जाता है ओवरऑल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह ना जाए।